चाहती हूँ। मैं मर जाऊंगी। तू क्या समझ रहा था ऋतिक कि तू मुझे पागल कर देगा? नहीं बेटा नहीं, मैं तेरी माँ हूँ, हमेशा तुझसे एक कदम आगे ही चलूंगी। तेरा खून देखकर मैं समझ गई थी कि तू जिंदा है ऋतिक। सॉरी युवराज, युवराज बस ऋतिक देखते रहना आगे मैं क्या करने वाली हूँ। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बनाशा, मुन्नी मुन्नी करे कमाशा। गुरमा, हाँ मैं बोल रही हूँ, आप अभी और इसी वक्त यहाँ आ जाइए, एक जरूरी काम है। ऋतिक, ऋतिक गुरुमा आई है। गुरुमा? हाँ ऋतिक, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया कि तुम जिंदा हो? नहीं मुझे तो नहीं लगता। अगर शक नहीं होता तो वो गुरुमा को बुलाती क्यों? बुलाया है तो इसका मतलब वो जरूर कुछ करने वाली है। मैं अभी पता लगा कर आती हूँ। शिवन्या, उन दोनों के सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। डरो मत ऋतिक, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। ये क्या यामिनी, तेरा चेहरा चुड़ैल जैसा क्यों लग रहा है? या तू खुद चुड़ैल बन गई है? हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो। मतलब तू चुड़ैल बन गई? नहीं, मतलब ये ऋतिक मुर्दा नहीं जिंदा है। मैंने कहा था ना, फिर भी तू उसके आत्मा को बुला रही थी, अब तू खुद मुझे आत्मा जैसी लग रही है यामिनी। तू मारेगी मुझे? माना चाहती है मुझे? अगर नहीं मरना है तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर ऋतिक जिंदा है तो वो हवा में गायब कैसे हो गया? इस बंदूक पे जितनी गोलियां थी सब तो मैंने उस पर चलाई थी। यामिनी, दे मुझे ये, रख दे इस बंदूक को। नहीं ना, गायब नहीं हो सकती ना, यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ। ऋतिक गायब कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, अगर कोई इच्छाधारी नागिन उसका साथ दे रही है। जैसे तू उन नागिनों के साथ खेल खेल रही थी और वो तेरे साथ खेल रहे हैं। हाँ हो सकता है गुरुमा, हो सकता है।
मुझे पता लगाना ही होगा। ऋतिक, ऋतिक हमारा शक सही निकला। यामिनी को पता चल गया है कि तुम जिंदा हो। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। चलो यहाँ से। शिवन्या रुको। अगर उसे ये पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ तो और भी अच्छा है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि तुम जिंदा हो। हम अब भी अपनी बाजी खेल सकते हैं। मतलब बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैंने कहा है। उस यामिनी ने तुम्हें मारने की कोशिश की। अच्छा हुआ कि मैं आ गई और मैंने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम तो वो मोटी अच्छी तरह से जानती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर भी उसने तुम्हें मारने की सोची। अब वो देखेगी मेरा रूप भी, मेरा बदला भी, जान ले लूंगी उसकी। इसका मतलब वो शीशाई थी जो मुझे बेवकूफ बना रही थी। तुम देखना, मैं उसके मुंह से उसकी सच्चाई उगलवाऊंगा। वैसे भी वो बहुत डरी हुई है जब से मैं आत्मा बन के उसे डरा रहा हूँ। अब मैं आत्मा बन के ही उसे उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। ओम नमः शिवाय। ए बूढ़े, नागमणि दे मुझे, दे मुझे नागमणि दे बूढ़े, वरना डस लूंगी तुझे मैं। तू मुझे नहीं डस सकती नागिन, मेरे शरीर पर राजवंश का निशान है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जा, नहीं बताऊंगा तुझे नागमणि कहाँ है। चुपचाप बता दे नागमणि कहाँ है। तुझ में और उस यामिनी में कोई अंतर नहीं है। नागमणि के लिए तूने अपने गुरु को मार दिया और यामिनी ने अपने बेटे को। किसका साथ दे रही है तू? उस यामिनी का, जो अपने पति की ना हो सकी, जिसने अपने बेटे ऋतिक को मार दिया, वो तेरा क्या साथ देगी? तू झूठ बोल रहा है बुढ़े। अगर यकीन नहीं होता तो जा पूछ उसी से। देख, अगर तेरी ये बात झूठ निकली ना तो मेरे कहर से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। मैं तुझे मौत नहीं दे सकती तो क्या हुआ, मौत से बदतर जिंदगी तो दे सकती हूँ ना तुझे। पहले जा और जाके सच का पता तो लगा। यामिनी, अब तेरा खेल खत्म। तूने जिस आस्तीन के सांप को पाल रखा था, अब वही तुझे डसेगी। गुरु माँ की गुफा में पहुंचना होगा।